गुड मॉर्निंग वो टीचर है। नमस्ते नमस्ते एंड वेलकम बैक टू इंडियन मदर किचन रेसिपी। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके सामने, ये है एक दिन पहले की यानी कि रात की, जब मैं सुबह के नाश्ते के लिए मूंग और चने भिगो रही हूँ। तो अब मैं इससे अगले दिन की आपके सामने वीडियो लेकर आई हूँ, पूरे दिन का रूटीन के मैंने क्या क्या कैसे कैसे किया अपने बिजी लाइफ के शेड्यूल में। तो ये स्प्राउट मैंने भिगो दी है, शुभ रात्रि। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट डे के मैंने स्प्राउट्स का क्या किया। गुड मॉर्निंग, मैं आई हूँ रसोई में। देखिए गुड मॉर्निंग, और मैं रसोई में आई हूँ। और अब मैं सुबह सुबह पहले लगाऊंगी बर्तन, और ये जो मैंने रात को मूंग भिगोई थी इनको बनाऊंगी। और देखिए इधर भी बर्तन रखे हुए हैं और यहाँ पे बर्तन है, इन सबको मैं लगाने वाली हूँ। सबको मैं यहाँ पे स्टैंड में लगा दूंगी। और बाहर हो रही है बहुत तेज बारिश, इस टाइम बना लीजिए, खा लीजिए। और मैं भी नाश्ता बनाती हूँ, बर्तन लगाती हूँ और नाश्ता बनाती हूँ। मूंग चना और साथ में मोटी चाय मतलब हमने बनाई है फुल दूध की चाय, फुल क्रीम की। इसमें पानी नहीं डाला है। और यहाँ पे हमने मूंग और चने लिए हैं, जिसमें कि प्याज है, चने है, टमाटर है, हरी मिर्च है और नमक। इसके अलावा हमने कुछ नहीं डाला है। और चाय में इलायची और चाय की पत्ती, चीनी, और फिर हमने बनाई फुल दूध में मोटी चाय। तो अब यहाँ पे हो चुका है लंच का टाइम। लंच मैंने बना लिया था। वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई कि मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं है, मुझे दो तरह की वीडियो बनानी पड़ती हैं। तो यहाँ पे मैं सीधा लंच की थाली लगा रही हूँ। टमाटर को मैंने एक शेप देने की कोशिश की थी कि मैं इसको एक फूल की डिज़ाइन बनाऊँ, लेकिन मेरे पास ऐसे टूल्स नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने चाकू से कोशिश की। और यहाँ पर मैंने लिए हैं चावल। चावल्स के ऊपर मैंने अचार, मम्मी के हाथ का बना हुआ अचार रखा है। एक कटोरी दाल है और टमाटर की सलाद है, क्योंकि खीरे नहीं हैं। और दो रोटी ली हैं घी लगी हुई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी लंच की थाली तैयार हो गई है। हर बार बहुत ज़ोर से बारिश बरस रही है। और देखिए अब हमने यहाँ पे लंच खाना शुरू कर दिया है। आप बताना कि आपको हमारे लंच की आज की थाली कैसी लगी, और कमेंट ज़रूर करना, लाइक भी ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो फिर मैं आई थी छत पर, देखिए बारिश आ रही है। अभी भी मैं आपको दिखा सकती हूँ जिस टाइम में मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, लेकिन बड़ी बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है इस टाइम। और फिर हम छत पे गए क्योंकि बच्चों के ट्यूशन का टाइम होने वाला था, 4 बजने वाले थे और 3 बजे के टाइम इस तरीके से गीली हो रखी थी छत। फिर हमने बच्चों को नीचे ही बिठाया, और नीचे बिठा करके है कमरे में ही उनको, पहले जब तक बारिश आ रही तब तक हमने ये जंगल बुक की एक कहानी उनको दिखाई। बच्चे मेरे हैं वो 3:30 बजे तक ही आ जाते हैं। क्या समझ में आया कहानी में? और फिर बारिश बंद हो गई थी, तो मैंने बच्चों को ले जा कर के ऊपर बिठाया और उसे संस्कार पक्ष करवाया, और फिर उनको मैथ्स में सब सब्जेक्ट में काम भी दिया घर के लिए। फिर रात के टाइम मैंने बनाया बेसन का हलवा, लोहे की कढ़ाई में, बहुत ही टेस्टी बना था। क्योंकि हमारे यहाँ बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, रुकती है आ जाती है,
और अभी भी इस टाइम बहुत ज़ोर से बारिश आ रही है जिस टाइम मैं हलवा बना रही थी। लेकिन ऐसे में तो कोई तली हुई या फ्राई की हुई चीज़ें ही बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे मैं सूजी का हलवा बनाने वाली थी लेकिन सूजी में कीड़े हो गए थे हमने दुकान से ही लाए थे लेकिन डेट एक्सपायर थी, तो फिर बेसन का हलवा हमने डिसाइड किया बनाने का। तो यहाँ पे हमने प्लेट लगा लिया। आप बताना आपको मेरे बेसन के हलवे की रेसिपी कैसी लगी। और अब मैं वीडियो का एंड यहीं पे ही करने वाली हूँ क्योंकि आज मैंने डिनर में कुछ नहीं बनाया था, दोपहर में से ही थोड़े से चावल दाल वगैरह बचे हुए थे तो वही हमने रात को और बेसन का हलवा बना करके हमने अपना डिनर किया। तो आप बताना आपको मेरे पूरे वीडियो में कौन सा पोर्शन सबसे ज़्यादा पसंद आया। प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलते हैं एक नई अच्छी सी वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।